नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल के सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका समय जायज ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ है, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और सेंटर पर जो एंगल है वो ए ओ बी 120 डिग्री है और पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। यहाँ पर हमने सेगमेंट ए वाई बी को फाइंड आउट करना है उसका एरिया। तो चलिए दोस्तों, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, 21 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ए वाई बी, दोस्तों सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से जो सेक्टर है ओ ए वाई बी सेक्टर, उसके एरिया में से हम दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे, तो सेगमेंट ए वाई बी का एरिया निकल जाएंगे। सेगमेंट ए वाई बी जैसे रेड शेडेड है और ट्रायंगल जो है ओ ए बी ये येलो शेडेड में आपको दिखाया हुआ है। नाउ द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे कि फार्मूला है सेक्टर का एरिया का। ठीक है, यहाँ पर थीटा दोस्तों जो आर्क है ए वाई बी, इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रखा है 120, तो थीटा हो गया 120 जो दिया हुआ है 120 बाई 360 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू हमने रख ली जो दी हुई थी हमको, और आर यहाँ पर दी हुई है 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया 22 इंटू 21 इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये एरिया हो गया सेक्टर का। अभी दोस्तों हमको निकालना है एरिया ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल है दोस्तों ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है और ए बी पे हमने ओ से दोस्तों इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो दोनों रेडियस हैं ये इक्वल हैं। तो ओ ए वन ओ बी इजिकल टू रेडियस, और इसलिए ये जो एंगल होंगे ए ओ एम इजिकल टू हो जाएगा एंगल बी ओ एम इजिकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 120 इजिकल टू 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्रायंगल ए एम ओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम ओ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इस्तेमाल करेंगे हम। ओ एम अपन ओ एजिकल टू कॉस 60 इजिकल टू 1/2, और ओ एम को एक्स मान लिया तो एक्स अपन 21 इजिकल टू 1/2, एक्स इजिकल टू 21/2, यानी ओ एम इजिकल टू 21/2। ये दोस्तों हाइट होगी या परपेंडिकुलर की हाइट होगी। ठीक है दोस्तों, अभी हो जाएगा ए एम अपॉन ओ एजिकल टू साइन 60। ए बी डिग्नोमेट्री रेशो का यूज़ किया, यहाँ पर ए एम इजिकल टू हो गया ओ ए इंटू √3/2, साइन 60 वैल्यू हो जाती है √3/2। ठीक है दोस्तों, तो ए एम इजिकल टू हो गया 21 इंटू √3/2। नाउ ए बी इजिकल टू ट्वाइस ए एम। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू रख दी ए एम की, तो 2 × 21 इंटू √3/2 इजिकल टू हो गया, 2 से 2 कट गया तो 21√3। ये दोस्तों ए बी हो गया, ए बी मतलब ये बेस हो गया ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमको बेस मिल गया, बेस कितना होगा 21 इंटू √3, और हाइट होगी दोस्तों 21/2। तो ये फार्मूला हम रख लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इजिकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एम इजिकल टू 1/2, और ए बी की वैल्यू रख दी 21 इंटू √3 इंटू, और ओ एम की वैल्यू रख ली 21/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 441/4√3। ठीक है दोस्तों, अब एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों 462 − 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। इसी प्रकार आप जो है सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया दोस्तों निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आप तक और पहुंचते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।